जब मेरे साथ कम से दो तीन महीने मेरे साथ बात करते थे ना व्हाट्सएप में, तब आपको कभी गाली के नॉलेज हुई ना? कभी आपको गाली दे के बुलाया जा जो चूती इधर आ जो भाई ये कर, आपको दिया नहीं दिया ना? इंदुर को कभी गाली दिया सुने इंदुर जो है? तो गाइस कल के लाइव स्ट्रीम में यार यहाँ पे ज्ञान भाई ने क्या कुछ बताया उसके ऊपर अज्जू भाई ने रिप्लाई दिया है, तो उसको बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बात करें यहाँ पे ज्ञान भाई ने अभी बोला कि यार अज्जू भाई को ज्ञान भाई ने कभी भी गालियाँ नहीं दिया। भाई यार कमेंट कर रहा हूँ अज्जू की मां की चूत और कमेंट कर रहा हूँ मेरे चैट उसको मां की चूत कर दूंगा मैं बहुत सीधे चैट मेरे सुन कर दूंगा वीडियो के तौर पर राय कोई भी कमेंट। सो गाइस ये क्लिप जो है एक महीने पुराने हमने खुद अपने चैनल पे अपलोड किया था आपको न्यूज देने के लिए। और फिर गाइस यहाँ पे बात करें कौन सही है कौन गलत है, यहाँ पे बात करते हैं यार ज्ञान सुजन ने बोला कि उसने गाली नहीं दी लेकिन यहाँ पे साफ साफ गाली दिया है गाइस। अब जब बात करें कौन सही है आपको पूरी वीडियो में पता चल जाएगा। जो भी वीडियो डालेगा अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो मेरे को पता है डालेगा तो तुम लोग अपना ओपिनियन दो, इसमें कोई लॉजिक है क्या किसी को गिवअवे के लिए फोर्स करना वगैरह? मेरे को तो नहीं लगता है इसमें लॉजिक। तो बस वो सिर्फ अटेंशन लेना चाहता है गाइस और आप लोग उसे अटेंशन दे रहे हो जो कि देखो गाइस अटेंशन के बाद है। इसी लाइव स्ट्रीम को लेकर अज्जू भाई ने जो है इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दिया था वो रिप्लाई मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अभी का कुछ यूट्यूबर का कहना है कि वो सब अज्जू भाई ने किया है, इनका दिमाग खराब हो गया कि यार सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, आई डोंट नो बट जल्दी इनके चैनल पे मैं स्ट्राइक मारने जा रहा हूं, जो भी बोलेगा वो सब फेक है गाइस, ऐसा फील हो रहा है कि मैं फ्री फायर का ओनर हूं, तो जल्दी इनको वीडियो हटाने को बोलो नहीं तो मैं इसके चैनल पे स्ट्राइक मार दूंगा और उनको बता देना कि मैं स्ट्राइक नहीं हटाने वाला हूं और टूर्नामेंट होस्ट करने वाला ना वाले होता है, मैं उनका ओनर थोड़ी हूं जो मैं ज्ञान गेमिंग को टूर्नामेंट से हटा दूंगा। तो अज्जू भाई ने मेरे को इस बार टूर्नामेंट से पूरा बाहर कर दिया, तो बहुत आप सोचो अज्जू भाई मैं फोन में प्रैक्टिस कर रहा हूं फोन के लिए इतना ट्राई। जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे ज्ञान भाई बोल रहे थे कि यार अज्जू भाई ने जो है उनको टूर्नामेंट से निकाल दिया था, लेकिन यार अज्जू भाई जो बोल रहे हैं कि उनको फ्री फायर का ओनर थोड़ी है अज्जू भाई जो ज्ञान भाई को निकाल देंगे टूर्नामेंट से। तो गाइस यहाँ पे कौन सच है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि कौन सही है कौन गलत है। डिसन जो फोन है गिरने से बोला कि इस बार तुम टूर्नामेंट नहीं खेलोगे ज्ञान सुजन। बोले क्यों? बोले देखो एक बड़ा यूट्यूबर आ रही फ्री फायर की, अगर आप खेलने गए तो बंदे नहीं खेलेगा, समझ रहे कौन से बड़े यूट्यूबर। सो गाइस सब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू पुराने क्लिप्स क्यों दिखा रहे हैं, गाइस पुराने क्लिप से सब कुछ स्टार्ट हुआ है और यहीं से हमको कंक्लूजन मिल सकता है। यहाँ पे ज्ञान भाई ने ये भी बोला था कि यार यहाँ पे अज्जू भाई को प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और फिर यार मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में जो भी गाली आ रहा है अज्जू भाई तेरा बाप है। तो गाइस पहले आपको क्लिप दिखा देता हूँ बाद में आप खुद मेरे को बोलना। मैं चाहता हूँ गाइस मैं इसके बाद कुछ नहीं बोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ अज्जू भाई अपने फ्रेंड को बोल दे एक बार मेरा नाम भी बदले, बस ये बोल दे भाई मैं बाप हूँ मैं किंग हूँ मगर मैं नहीं मैंने अज्जू भाई, ठीक है अज्जू भाई की जो स्पैम चलती है ना अज्जू भाई तेरा बाप है अज्जू भाई किंग है बस ये बंद करा दे अज्जू भाई किस तरह, ठीक है मुझे नहीं पता मगर बंद करा दे अगर वो आई तो मैं। गाइस ज्ञान गेमिंग बोल रहे हैं यहाँ पे यार अज्जू भाई को बोल दे कि यार वो जो लाइव स्ट्रीम में आके उनके फैन जो है अज्जू भाई तेरा बाप है गालियाँ दे रहा है उसको बंद करवा दे गाइस। अब जब बात करें यार गलती किसकी थी, यार मैंने भी पहले बोल दिया था कि यार अज्जू ज्ञान गेमिंग के जो भी लाइव स्ट्रीम में जाके गालियाँ दे रहे उसको बंद कर दो, लेकिन फिर भी यार कंटिन्यूशन होता रहा। फिर खैर कोई बात नहीं यार जब बात करें यार ज्ञान गेमिंग भाई को यार उनको हेटर्स को अटेंशन नहीं देना चाहिए था, जो भी लोग आके कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे अज्जू भाई तेरा बाप है इसी को लेकर यार ज्ञान गेमिंग भाई ने अज्जू भाई को गाली दे दी थी जो कि थोड़ा बहुत गलत था, क्योंकि यार अज्जू भाई के फैन अज्जू भाई ने थोड़ी बोला था उनके फैंस को जाके ज्ञान गेमिंग लाइव स्ट्रीम में जाके उसको गाली दो, अज्जू भाई ने थोड़ी से बोला था गाइस, अगर ऐसे बोलते तो यार अज्जू भाई की गलती होती, लेकिन यार ज्ञान गेमिंग ने अपने हेटर्स को अटेंशन दिया अज्जू भाई को गाली दिया डायरेक्ट, तो इसी के वजह से यार डेली लाइव स्ट्रीम में ऐसे ही गाली चलता आया ज्ञान सुजन को ऐसे गाली देते आ रहे हैं। तीन दिन से लाइव स्ट्रीम चेक कर लेना, तीन दिन से, ठीक है तीन दिन से आपको एक गाली तक नहीं दिया मैंने मेरे लाइव स्ट्रीम में, ना आपका नाम आई मेरे मुंह से, चेक कर लो तीन दिन से, ठीक है आज भी लाइव स्ट्रीम करते हैं। सो यहाँ पे ज्ञान भाई साफ साफ अज्जू भाई से माफी मांग रहे हैं और अज्जू भाई को भी शायद माफ कर देना चाहिए जो भी उन्होंने गालियाँ दिया था ज्ञान भाई ने अज्जू भाई को, सभी का क्लियर हो गया यहाँ पे गाइस। अब जब बात करें यार अज्जू भाई ने स्टोरी अपलोड किया था कि यार ज्ञान सुजन जो है व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने अभी तक माफी नहीं दिया गाइस ज्ञान सुजन को, तो गाइस आपको इसके बारे में क्या कहना है कि कौन सही है? मेरे को मैंने जितना बता दिया आपको उतना बता दिया हूँ, आपका क्या कहना है इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस टिकटॉक ऐप जो है बैन हो गया है, लेकिन यार यहाँ पे म्यूजिकली इंडियन वर्जन का नया ऐप आया है जो सिमिलर टिकटॉक का है, आप यहाँ पे सिमिलरली जो टिकटॉक पे वीडियोस या म्यूजिक होते थे आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरे बाकी ऐप्स में यार आपको म्यूजिक सेलेक्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन यहाँ पे आप आराम से जो भी म्यूजिक चाहे आपका मनपसंद म्यूजिक को सिलेक्ट करके आप वीडियोस बना सकते हो और कंटेंट जो भी अपलोड करना चाहे कर सकते हो गाइस। अब जब बात करें यार यहाँ पे आपको डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा गाइस, टॉप 10 क्रिएटर्स को कुछ ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा गाइस, तो गाइस अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर डाउनलोड करो गाइस, ऐसे ऐप को सपोर्ट करो जो भी इंडियन ऐप है, तो गाइस होप आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे ऐप को।
आपने जो स्कोर जो आपने बनाया उसे स्कोर में आपने शो ही नहीं किया, ठीक है। और यही लोग आके बोलते तू तो बाप के लिए एक किल नहीं कर पाता यार, तो अज्जू भाई 17 किल करते, 22 किल करते, पता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उस बंदे को, नहीं बोल पाएंगे भाई अज्जू तो बॉट मारता है यार। तो इससे आपको गुस्सा आ जाती है, और हमको जो आके चैट में जो बोलते हैं उसको गुस्सा नहीं आता हम लोगों को, बताओ। तुम तो मेरे चलो टीजे भी जगह बोलते हैं, बताओ तुम किसके यूट्यूबर बोलोगे भाई, तुम किसके यूट्यूबर बोलोगे, हर यूट्यूबर जाके बोलता है बंदा, अब क्या बोलोगे तुम। तुमको वहाँ पे बोलना चाहिए ना अपने सब्सक्राइब लोगों को यार, लाइव में बोलना चाहिए भाई लोग जो भी देखो किसी भी जाके इसमें मत करो, कभी बोला है आपने कभी किसी जगह इसमें मत करो भाई मैं किंग हूँ भाई मैं बापू, अगर आप लोग अच्छा लगता तो देखो यार किसी की मर्जी के हेट मत फैलो, कभी बोला, कभी नहीं बोला आपने। दिखाओ मेरे को कभी कभी पुराने कोई भी स्ट्रीम लिखा लो और मुझे डेट दो क्या भाई इस जगह पे जाके मैं बोला हूँ, दिखाओ मुझे दो, मुझे यूट्यूब देने की जरूरत नहीं, मुझे व्हाट्सएप में दे दो। एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाते उसके लिए नहीं बनाते जो हमारे वीडियो नहीं देखना चाहते, अगर आपको नहीं देखना वीडियो खत्म करना चाहिए दोनों को शायद मेरे हिसाब से। और जब बात करते हैं आप ज्ञान भाई थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं और चैट पे लाइव स्ट्रीम में आके थोड़े बहुत इमोशनल हो जाते हैं, उन्होंने क्या काम स्टार्ट किया था वो भी बताते हैं। 3 घंटे जहाँ पे ट्रेन में जाते थे काम के लिए और ट्रेन 3 घंटे लेट आती थी, तो बस ये सब कुछ बता रहे थे अपने लाइव स्ट्रीम में। तो आपका क्या कहने का इस, मेरे को बस यहीं पे कॉन्ट्रोवर्सी खत्म हो जाना चाहिए, अज्जू भाई और फिर से दोस्त बन जाना चाहिए, बस यहीं पे खत्म हो जाए। तो गाइस अगले न्यूज़ के बारे में, गाइस यहाँ पे नया अपडेट आने वाला है, जैसे कि आप कार स्किन देख सकते हो, ओपी वाला कार स्किन आने वाला गाइस, जो भी इसका कार स्किन का नहीं था लेकिन यहाँ पे नया अपडेट में इसका कार स्किन आने वाला है गाइस। क्या आपको कैसा लगा गाइस, इसका अच्छा है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना गाइस, ओपी है गाइस, बहुत ओपी ना। और गाइस यहाँ पे देखो यार नया पेट भी आने वाला, पेंगुइन गाइस, ओपी वाला पेट है गाइस, लेकिन इसका स्टेबिलिटी क्या है मेरे को नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस। लेकिन ये कब आने वाला मेरे को नहीं पता, ये दूसरे सर्वर का है जो मैंने अभी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरे सर्वर का है। तो गाइस आपका कहना है मेरे को वीडियो में बता देना गाइस, अगले अपडेट के बारे में वीडियो आएगा, अगले जो भी नया अपडेट आएगा उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस आपको अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना गाइस, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे लाइव स्ट्रीम में जाके यार अज्जू भाई तेरा बाप है, ये गाली देना बंद कर दो गाइस, बंद कर दो गाइस, सही में बता रहा हूँ यार, अच्छा नहीं लगता यार किसी के चैट पे जाके गाली देना इसके ऊपर। अगर उसका वीडियो आपको पसंद है तो इग्नोर करो गाइस, बस इग्नोर करो यार, बस मिलते हैं अगले वीडियो में।